नमस्कार, कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित के भाग देने पर से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। आज हम इसका थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट है, हमें px दिया हुआ है एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 और x दिया हुआ है कि x से इसको भाग करने पर। x का मतलब होता है x माइनस 0, x का मतलब होता है x माइनस 0, ठीक है। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल किसके बराबर हो जाएगा, x ऑफ, अब ये x माइनस 0 को यदि आप x माइनस a के साथ मिलाएंगे तो हमें दिख रहा है 1 इसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर, इसके बराबर आ जाएगा 0 के। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल किसके बराबर होगा, p ऑफ a यानी कि p ऑफ 0। इसका अर्थ ये है कि इस पूरी रकम में x की जगह हम लिख देंगे 0। देखो ये है x का क्यूब यानी 0 का क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x यानी 0 प्लस 1। तो ये आसान हो गया, 0 का क्यूब किसी भी 0 का कोई भी पावर हो तो 0 ही रहेगा। यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0, यहाँ भी 0 को 3 से गुना करेंगे तो 0 प्लस 1, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 1, हमारे पास उत्तर कितना आ गया 1, यही शेषफल है। ये देखो हमने px को, ये जो इतना बड़ा बहुपद है px, इसको x से भाग करके जो हमारा शेषफल आना था वो हमने बिना एक्चुअल में भाग के ही पता कर लिया, शेषफल है 1। आइए हम अगला भाग देखते हैं। अगले भाग में हमारे पास दिया है x प्लस पाई, पी एक्स हमारे पास वही है x प्लस पाई, हमें क्योंकि चाहिए होता है x माइनस a, तो x के साथ माइनस था नहीं इसलिए मैंने प्लस पाई को लिख दिया माइनस इंटू माइनस पाई, ठीक है बच्चों। तो x माइनस a से देखो x के साथ x, माइनस के साथ माइनस, तो a किसके बराबर हो गया, माइनस पाई के बराबर। तो शेषफल प्रमेय के अनुसार शेषफल किसके बराबर होगा, p ऑफ a, a आया है माइनस पाई तो p ऑफ पाई। इसका मतलब इस पूरे बहुपद में x की जगह मैं लिखूंगा पाई, x की जगह मैं लिखूंगा पाई। तो देखो ये है x का क्यूब यानी पाई का क्यूब प्लस 3 इंटू x का स्क्वायर यानी पाई का स्क्वायर प्लस 3 इंटू x की जगह पाई प्लस 1, ठीक है बच्चों। सॉरी एक गलती मुझसे हो गई है, ये माइनस पाई था तो हर जगह माइनस पाई आएगा पाई की जगह, तो यहाँ भी माइनस आएगा यहाँ भी माइनस आएगा। अब हम इसे हल करेंगे, माइनस पाई का क्यूब, माइनस का क्यूब होता है माइनस, पाई का क्यूब होगा पाई क्यूब। ऐसे ही माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, पाई का स्क्वायर होता है पाई स्क्वायर प्लस इंटू 3 प्लस 3। ऐसे यहाँ पर माइनस इंटू प्लस माइनस, 3 इंटू पाई होगा 3 पाई, आगे है प्लस 1 प्लस 1, ठीक है। अब ये पाई क्यूब है, ये पाई स्क्वायर है, ये पाई है, ये एक जैसी रकमें नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, समान पद नहीं है। इसके साथ पाई की पावर 3 है, इसके साथ पाई की घात 2 है, इसके साथ पाई की घात 1 है, ये आपस में प्लस माइनस हो नहीं सकते, इसलिए यही हमारा उत्तर है। जो हमें शेषफल ज्ञात करना था वो ये शेषफल है। इसका अर्थ है कि यदि एक्स क्यू प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को यदि हम x प्लस पाई से भाग करेंगे तो ये शेषफल आ जाएगा। धन्यवाद।